Hello everyone, I'm Monica, your English teacher from Adar Senior Secondary School, Khaishirgarh. How are you? I hope you all are fit and fine and doing good at your place. I wish you only on concentrate on your study and then you get proper knowledge. Knowledge is very important for your life aim. And student life is the best time of knowledge. Okay, students? In previous classes, we clear the concept of kind of noun. तो पिछली क्लास में हमने जो कि kind of noun इसका पैराग्राफ रीड किया, उसके बाद में kind of sentence को कवर किया. फर्स्ट था अपना कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन? जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. प्रॉपर नाउन, स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. एंड कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स. जैसे एग्जाम्पल थी ए बंच ऑफ कीज. कीज क्या है? कॉमन नाउन. तो इसके आगे क्या वर्ड लग गया? बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा. तो ये कलेक्शन के बारे में बता रहा है ना, जो कॉमन थिंग है उनका कलेक्शन के बारे में बताएगा, वो होगा कलेक्टिव नाउन. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू समथिंग वी कैन फील बट कैन नॉट सी और टच. जिनको हम फील और फील कर सकते हैं बट देख और टच नहीं कर सकते. जैसे फियर, ऑनेस्टी, ब्यूटी, इस आर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. टुडे वी स्टार्ट प्रैक्टिस टाइम. फर्स्ट टेबल देखो. टिक द कॉमन थिंग, सी हियर. टिक द कॉमन नाउन्स एंड क्रॉस द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग पैसेज. यहाँ पे क्या करना है हमें? जो जनरल नेम हो या प्लेस का जनरल नेम हो या फिर एनिमल का जनरल नेम हो, तो उनके लिए तो हमें टिक का साइन लगाना है, ठीक है, ऐसे. और प्रॉपर नाउन में क्या करना है? क्रॉस का साइन लगाना है उसके ऊपर. प्रॉपर नाउन जिसमें कोई पार्टिकुलर नेम दे रखा हो हमें. जैसे रीड दिस पैसेज. अशोक, अशोक यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन. अशोक यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन है क्या, बताओ? नॉट, इट इज रॉन्ग. तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये फिक्स यहाँ पे स्पेसिफिक किसी का नेम दे रखा है, ठीक है. अगर यहाँ पे सीधा बॉय दे देता है एक, तो फिर होता है ये कॉमन नाउन. बट यहाँ पे बॉय का नेम दे रखा है, तो ये किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में. अशोक लाइव इन विलेज कॉल्ड धामपुर. तो हमें लव इन विलेज, विलेज अब कोई सा भी हो सकता है ना, तो विलेज किस में आएगा? कॉमन नाउन में. और यहाँ पे ये विलेज का नेम दे रखा है धामपुर, तो ये आएगा प्रॉपर नाउन में, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नेम, स्पेशल नेम दे रखा है. ही हैज़ ए यंगर ब्रदर. तो यहाँ पे ब्रदर क्या है? ब्रदर का नेम नहीं दिया, तो यहाँ पे ये किस में आएगा? कॉमन नाउन में. तो इसलिए इसके ऊपर क्या कर देंगे? टिक का साइन. हिज नेम इज अलोक. अब यहाँ पे ब्रदर का नेम दे रखा है, तो ब्रदर का फिक्स नेम दे रखा है, तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन. तो इसलिए इसके ऊपर क्रॉस आ जाएगा. नेक्स्ट अशोक. अशोक नेम के लिए क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन में आएगा, तो क्रॉस का साइन यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. गोज टू स्कूल. अब स्कूल है, स्कूल तो कोई सा भी हो सकता है ना,
तो ये किस में आएगा? कॉमन नाउन में। जनरल नेम है स्कूल, तो इसके ऊपर टिक का साइन लगाएंगे। बट अलोक इज टू यंग फॉर इट, यहाँ पे ये नेम है तो ये प्रॉपर नाउन में अलोक। ही लव्स टू प्ले विद हिज टॉयज, प्ले प्ले किस में आएगा? कॉमन नाउन में। एंड टॉयज इंक्लूड इन कॉमन नाउन। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर फर्स्ट ए पार्ट। नेक्स्ट टेक द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ए सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें कॉमन नाउन है जो जनरल नेम हो उनके लिए, उनके ऊपर क्या कर देना है? टिक का साइन यूज करना है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे नेम जिनको हम फील, जिनको फील किया जा सकता है बट सी और टच नहीं किया जा सकता, तो उनके ऊपर सर्कल लगाना है। ठीक है, सी फर्स्ट सेंटेंस। फियर मेड द थीप ट्रेम्बल। तो यहाँ पे फियर क्या है? डर। डर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ठीक है, इसको हम टच और सी तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एंड नेक्स्ट मेड द थीफ, थीफ थीफ किस में आएगा? ये किसी का जनरल नेम है थीफ, तो ये आएगा कॉमन नाउन में। इसके ऊपर क्या लग जाएगा? टिक। ट्रम्पल इसमें इट मीन्स कांपना। कांपना किस में आएगा फिर? ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सेकंड द बॉय एडमायर्ड द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। बॉय किस में आएगा? कॉमन नाउन। एडमायर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडमायर्ड दंग रहना या चकित, हैरानी होना। ठीक है, तो ये किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ब्यूटी ऑफ द गर्ल, ब्यूटी ब्यूटी सुंदरता, ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ऑफ द गर्ल, गर्ल इंक्लूड इन कॉमन नाउन। थर्ड द शोल्डर वार्ड रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी एंड बोल्डनेस। द शोल्डर वार्ड रिवॉर्डेड, शोल्डर किस में आएंगे? कॉमन नाउन। एंड ब्रेवरी एंड बोल्डनेस, ब्रेवरी मीन्स बहादुर, बोल्डनेस सांस भरा। ठीक है, इज इंक्लूड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड नेक्स्ट फोर्थ द माउस इम्प्रेस द लायन विद इट्स सिंसियरिटी एंड हम्बलनेस। माउस इंक्लूड इन कॉमन नाउन। इम्प्रेस्ड सिंसियरिटी एंड हम्बलनेस इंक्लूड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लॉयन इज ऑल्सो इंक्लूड इन कॉमन नाउन। एंड फिफ्थ ये माउस, फोर्थ पार्ट में माउस और लॉयन क्या है? कॉमन नेम है ये, जनरल नेम। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन में आएंगे। एंड फिफ्थ ब्यूटी गिव्स पीपल प्लेजर, ब्यूटी एंड प्लेजर्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी ओनली फील ब्यूटी एंड प्लेजर बट नॉट टच एंड सी दिस, सो इट इंक्लूड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट पीपल आर इंक्लूड इन कॉमन नाउन, इट इज एन जनरल नेम ऑफ एनी। एंड नेक्स्ट सिक्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एंड पॉलिसी बोथ आर इंक्लूड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड सेवंथ द बॉय इज रीडिंग ए बुक, बॉय इंक्लूड इन कॉमन नाउन, बुक ऑल्सो इंक्लूड इन कॉमन नाउन। एट पार्ट रोज स्मेल स्वीट, रोज वी टच इट एंड इट इज जनरल नेम ऑफ फ्लावर।
So it include in common noun, and smell and sweet include in abstract noun. Next, part C. Fill in the blank with appropriate collective noun from the box. You can take help from a dictionary. तो यहाँ पे हमें डिक्शनरी की हेल्प से ये ब्लैंक फिल करने हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, इसमें से इन सेंटेंस को फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज एन, ये सेंटेंस है किसके, कलेक्टिव नाउन के, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो कॉमन नाउन के आगे जिनका यूज़ किया जाता है फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ग्रुप के लिए इनका यूज़ किया जाता है, समूह है ग्रुप के लिए। तो फर्स्ट सेंटेंस है एन ब्लैंक ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर्स के आगे क्या आएगा, आर्मी। सेकंड ए ब्लैंक ऑफ पीपल, पीपल की क्या होती है, क्राउड, लोगों की भीड़, और भीड़ के लिए वर्ड है क्राउड। कलेक्टिव वर्ड यहाँ पे चूज करना है हमें, ठीक है। एंड थर्ड ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर, फ्लावर के लिए कलेक्टिव वर्ड कौन सा होता है, बकेट। एंड फोर्थ ए ब्लैंक ऑफ कैटल, और कैटल के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे कलेक्शन का, हेयर्ड। ये यहाँ पे रिमेम्बर रखना आपको, ठीक है। फॉर कीज कलेक्टिव वर्ड यूज बंच। एंड सिक्स्थ ए ब्लैंक ऑफ बीज, बीज के लिए क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं, स्वार्म। एंड सेवन्थ कार्ड ए ब्लैंक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के लिए पैक, क्योंकि कार्ड्स का तो पैक होता है ना, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, पैक। एंड एट्थ ए लीटर ऑफ पोपीज, नाइन्थ ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए क्या होती है, क्लास। एंड टेंथ ए ब्लैंक ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की क्या होती है, टीम। ओके स्टूडेंट्स, दिस 10 सेंटेंस आर कंप्लीट। एंड नेक्स्ट Divide the noun in box into four different kind: common, proper, collective and abstract. ये डी पार्ट आप खुद करेंगे, और इनमें से आपको बताना है कि कॉमन नाउन कौन सा है। ओके स्टूडेंट, जो किसी का जनरल नेम हो, जैसे यहाँ पे पहले हमने किए है ए और बी पार्ट में कॉमन नाउन, जैसे यहाँ पे बॉय गर्ल, जहाँ पे टिक करके ना ये माउस लॉयन, ये किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। तो जो ऐसे वर्ड हों वो किस में आएंगे, कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन जो किसी का फिक्स नेम दे रखा हो स्पेशल, वो आएंगे प्रॉपर नाउन में। और कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन सी पार्ट हमने किया है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड होंगे जैसे आर्मी, कार्ड, बैक्योट, हेयर्ड, बंच, स्वाम, पैक, लेटर, क्लास, टीम। तो ऐसे वर्ड किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक फियर, ट्रम्बल, ब्यूटी, ब्रेवरी, बोल्डनेस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके स्टूडेंट, तो आपको डी पार्ट कंप्लीट करना है, और मेरे को टेलीग्राम पे सेंड करोगे पार्ट डी, और इट्स योर होमवर्क टू कंप्लीट काइंड ऑफ नाउन। Okay, students, stay home, stay safe.